प्राध्यापक राजाराम महादेव परब आपणा सर्वांचं कोकण आणि गोव्यातील क्रमांक एकची अकॅडमी परफेक्ट अकॅडमी जी जेई नीट आणि एम एच सी ई टीच्या तयारीसाठी मानली जाते त्यामध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत करतो। तो रजत सर, हमने क्या किया है कि इस बार हर बार की तरह जैसे हम लोग एम एच टी सी ई टी का जो क्रैश कोर्स पढ़ाते हैं तो उसके इन्फॉर्मेशन हमें एक दो तीन मिनट में बच्चों को देनी है। तो हमने जैसे प्लान किया था कि 15 मार्च को जब बोर्ड की एग्ज़ाम ख़त्म होगी तो उसके बाद हम लोग हर दिन 6 घंटा मंडे से लेकर सैटरडे तक उनको देंगे और हर घंटे एक दिन एक मतलब हर दिन एक घंटे का उनका टेस्ट रहेगा। तो वो 30 दिनों में हम लोग 12th का एग्जैक्टली कैसे सिलेबस हम लोग कर पाएंगे कम्प्लीट? हम लोगों का बेसिकली प्रेफरेंस ये है, जो हम लोगों का प्लान था लाइक पिछले 2 साल से हमारा क्रैश कोर्स का जो प्रेफरेंस चलता है, बेसिक प्लान था हमारा कि कम टाइम में टाइम मैनेजमेंट बच्चों को सिखाना, और उस टाइम मैनेजमेंट में बेसिकली वी हैव टू फोकस ऑन दोज टॉपिक जिससे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं वो चैप्टर्स, वी हैव टू फोकस ऑन दैट एंड एट द सेम टाइम वी हैव टू मेक श्योर कि उस टाइम मैनेजमेंट में, क्योंकि नीट के लिए आप एक मिनट में एक क्वेश्चन आपको करना है, तो बेसिकली हमारा प्रेफरेंस ये होता है कि टू मेक श्योर दैट द बच्चा शुड गेट अ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, वो सीखे, और अगर वो टाइम मैनेजमेंट सीख गए तो कम टाइम में मैक्सिमम एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज क्रैश कोर्स के वक्त ऑलरेडी दे हैव अ बर्डन कि वी हैव टू कंप्लीट अ लॉट ऑफ चैप्टर्स। अगर टाइम मैनेजमेंट हम लोगों ने उनका प्रॉपर तरीके से सिखा दिया तो वो लोग मैक्सिमम टॉपिक्स कवर कर लेते हैं और वी विल गेट एन प्रॉपर आ रहे हैं पैटर्न को एनालाइज करते हुए हम लोग उस पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस करके वी मेक श्योर कि इन 30 डेज वी शुड कवर द एंटायर सिलेबस इंक्लूडिंग द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विथ प्रॉपर टाइम। तो हमारे साथ मतलब आमच्या सोबत मिश्रा सर सुद्धा आहेत जे केमिस्ट्री घेतात, आणि विशेष म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की भारताभरात आज PW नाव भरपूर चालतं, एक प्रख्यात क्लासेस आहेत, युनिकॉर्न आहे, आणि त्या PW एक खूप प्रसिद्ध फॅकल्टीज आहेत पंकज सर। तर पंकज सरांनी ज्या क्लासमध्ये कानपूरला कोचिंग घेतलेली आहे त्याच कोचिंगमध्ये शिकलेले आमचे मिश्रा सर देखील आहेत, ही इज एक्सेप्शनल केमिस्ट्री टीचर। तो क्या लगता है मिश्रा सर, ये क्रैश कोर्स का बच्चों को कैसे फ़ायदा पहुँचेगा? सी ई टी कोर्स, उसमें मेजरली तो अपना 12th का आता है सिलेबस, और जो अभी तक वो सी ई टी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखे हैं तो हिसाब से कोई ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाता है सी ई टी में, तो हम लोग आसानी से उस सी टी का सिलेबस को कवर भी करा सकते हैं और बच्चे अच्छी रैंक ला भी सकते हैं। और उसमें बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और वो भी बेसिक लेवल के आते हैं, कोई ज़्यादा डीप लेवल का नहीं आता है। अभी तक अगर बच्चे ने स्टेट बोर्ड लेवल का ही खाली पढ़ा हो 12th के स्टेट बोर्ड के लिए, क्योंकि हमें पता है कि 12th का आता है 80% सिलेबस वेटेज और 11th का आता है 20%, तो 11th का हम लोग तो करवा देंगे, वो कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसने अगर स्टेट बोर्ड लेवल तक ही पढ़ा है तो क्या लगता है कि आपको एक महीने में वो ग्रास्प कर पाएगा? 40 दिन है लगभग अपने पास। स्टेट बोर्ड में इतना तो बेसिक उसको आता ही होगा। हाँ, वो बात अलग है, स्टेट बोर्ड में टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आते हैं, यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं होता, यहाँ तो अपने को हर चीज़ पढ़नी है, लेकिन अगर बेसिक क्लियर है तो एक वन मंथ सफिशियंट है MHT CET के लिए। और सर, ये हमारे मैथमेटिक्स के फैकल्टी हैं चतुरानंद जी, आपको क्या लगता है कि मैथ्स में बच्चों को लास्ट जो फेज होता है 30-40 दिन का, तो स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे जो रूरल एरिया में बच्चे रहते हैं ज़्यादा बच्चे स्टेट बोर्ड के हैं, तो आपको क्या लगता है कि 40 दिन में तैयारी करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा मैथ्स में? बिल्कुल सर, 40 दिन में हो सकता है, क्योंकि हम लोगों का प्री प्लान रहता है कि सिलेबस क्या पूछते हैं और कौन कौन से मेन टॉपिक हैं, और बच्चे का फाउंडेशन बना रहता है पहले से, क्योंकि वो 12th करके आते हैं 11th करके आते हैं, तो उसका फाउंडेशन बेसिक बना रहता है, तो हम लोगों को मेन टॉपिक को ग्रैप करना होता है कि उसको टाइम मैनेज कैसे करेंगे बच्चे, और उसको जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है, तो वो हम लोगों का पहले प्री प्लान रहता कौन कौन सा टॉपिक है, तो हम लोग 40 दिन में सफिशियंट टाइम है करवाने के लिए बच्चे के लिए, और बच्चे कर भी सकते हैं। तर धन्यवाद सगळ्या शिक्षकांचं, आणि पुन्हा एकदा मला सर्व 12वीच्या विद्यार्थ्यांना ज्यांची बोर्डाची परीक्षा येते त्या आपणा सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा, विश यू ऑल द बेस्ट, 12वीची एक्झाम छान लिहा आणि परफेक्ट अकॅडमीत या, नक्की आम्ही तुमचं MHCET चं ध्येय गाठण्यासाठी मदत करू।